कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों के पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से लहू जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया, कि हमारे लिए, कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है। यह तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार, कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हम पर दया कर, और हमें, और हमें हर बंधन से मुक्त कर, हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, जगे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, जगे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। साक्षात प्रभु, जीवित प्रभु, करुणामय प्रभु, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु, आपके बीते जीवन की एक एक घटना को जानने वाले प्रभु, आपके वर्तमान को जानने वाले प्रभु, भविष्य को जानने वाले प्रभु, उस महान पवित्र सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आइए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम बने।
आज इस प्रार्थना के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति से हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। अपने आप को तैयार कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, बाकी सारे कामकाज को दूर रखिए, पूरी तरह से इस प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को हल्का कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे शरीर को इस समय अपने अधिकार में लीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए मेरी बुद्धि को इस समय एकाग्र कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना के दौरान मेरे और मेरे परिवार के संपूर्ण परिस्थिति में आ जाइए, हर प्रकार की परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में आ जाइए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, सारे ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, उस समय तो उस पर भ्रमण कर रहा था, विचर रहा था। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आइए पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें तैयार कीजिए पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। अपनी आंखें खोले मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना प्रभु के द्वारा प्रेरित प्रार्थना है, और जहां तक हो सके हमने प्रयास किया है कि हम 1 घंटे की प्रार्थना रखेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके और इसके द्वारा प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य और शुद्धिकरण का कार्य अनुभव कर सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विश्वास करना कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु के पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों के बीच में अक्सर ये चर्चा होती थी कि हम में कौन बड़ा है, यीशु के बाद हम में कौन बड़ा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 20 से 22 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से 2 याकूब और योहन जो भाई थे, घर जाकर अपने माँ को बुला लाते हैं, और याकूब और योहन की माँ अपने दोनों बेटों के साथ यीशु के पास आती है और यीशु से कहती है कि आप एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठाना अपने राज्य में। प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, आप लोग नहीं जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? तुम मेरे दाएं बाएं बैठना चाहते हो? मुझे जवाब दो, जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं क्या तुम उसे पी सकते हो? कौन सा प्याला है जो प्रभु यीशु पीने जा रहे थे? दुख का प्याला। क्या तुम दुख के प्याले को पीने को तैयार हो? अंग्रेजी में कहा जाता है नो पेन नो गेन, मुहावरा है, नो पेन नो गेन, यानी पीड़ा नहीं तो प्राप्ति नहीं, यानी दुख सहने को तैयार नहीं तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है।
हम अपना ही उदाहरण लेंगे, हमारे माताओं को हमें जन्म देने के लिए कितनी पीड़ा झेलना पड़ा, कितना दुख सहना पड़ा, एक नारी को बच्चा जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाएं झेलनी होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चे को प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है। किसान का उदाहरण लीजिए, एक किसान को अनाज पैदा करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, रोते हुए बीज बोते हैं और गीत गाते हुए फसल लूटते हैं, आनंद के गीत गाते हुए फसल लूटते हैं, लेकिन उसके लिए किसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है, खेत को जोतना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, समय पर पानी देना पड़ता है, समय पर खाद देना पड़ता है, देखरेख करना पड़ता है, सब कुछ के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, एक खेलकूद में लगे हुए लड़के का उदाहरण लीजिए, उसको कितना संयम करना पड़ता है। आपने देखा होगा खेलकूद में लगे हुए लड़के लड़कियां कितना परिश्रम करते हैं, बेचारे जाड़ा हो या गर्मी हो, बड़े सवेरे उठकर सड़क पर दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं। सफलता का मार्ग सरल नहीं है, उसके लिए मेहनत करने पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। आजकल के कुछ छात्र छात्राओं को लीजिए, पढ़ने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे परिश्रम करते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। सफलता के लिए, परिश्रम का फल पाने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करना चाहता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, मेरा अनुसरण नहीं करता है, वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हम फिलिप्पियों के पत्र के अध्याय 2 में प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य 9 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु को वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और सभी उनके सामने घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि वो प्रभु हैं। यीशु को ईश्वर ने वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए यीशु को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में हमें फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य 6-9 तक पढ़ने को मिलता है। मनुष्य बना, दास का रूप धारण किया, आज्ञाकारी बना, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किए, यीशु को श्रेष्ठ नाम प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जो दुखपूर्ण प्रक्रिया थी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। अब मत्ती के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे दुख भोगना होगा, मार डाला जाना होगा, उसके बाद जी उठना होगा। तो पेत्रुस यीशु को अलग ले जाकर यीशु को समझाने का प्रयास करता है कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु यीशु ने पेत्रुस से क्या कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं सोचते बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। तुम मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनुष्य क्या सोचता है कि मनुष्य चाहता है कि बिना परिश्रम के पैसा मिले, बिना परिश्रम के पद मिले, बिना परिश्रम के सफलता मिले, मनुष्य यही चाहता है। लेकिन सफलता का मार्ग, महिमा का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। तो याकूब और यौहन से प्रभु ने पूछा कि जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं वो प्याला तुम पी सकते हो। कौन सा प्याला है? दुख का प्याला। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में जब प्राण पीड़ा झेल रहे थे, उस समय प्रभु ने पुकार पुकार कर कहा कि हे पिता,
हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने पुकार पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना की, लेकिन पिता ने उस प्याले को नहीं हटाया। पिता ने उस प्याले को नहीं हटाया, पिता ने यीशु को वो प्याला पीने के लिए मजबूर किया, क्योंकि पिता चाहते थे कि यीशु को महान बनाए। महिमा का मार्ग, पवित्रता का मार्ग आसान नहीं है। हम तिमत्ती के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक एक शब्द का ख्याल कीजिए, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। पवित्रता का मार्ग, महिमा का मार्ग, सफलता का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता पाएं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कृपा आए, हम चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, हम चाहते हैं कि हम महिमा के सहभागी बने, उसके लिए दुख के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है, क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है। जैसा कि किसी ने कहा कि नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस, यानी बिना क्रूस के क्रिस्त नहीं और बिना दुख के मसीही नहीं। और दुख हमारे लिए महिमा का मार्ग है। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में, प्रभु यीशु के दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर बड़े उदास होकर एम्माउस की ओर जा रहे थे। वे उदास थे क्योंकि उन्होंने देखा कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। मार्ग में यीशु उनको समझाते हैं, वचन में लिखा हुआ है वाक्य 25-26 में, लूकस अध्याय 24 वाक्य 25 और 26 में लिखा हुआ है। 25 में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, निर्बुद्धियों तुम वचन क्यों नहीं समझते। वाक्य 26 में लिखा हुआ, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगे और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करें। मसीह दुख भोगे और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करें। हम में से बहुत सारे भाई बहन दुख से कतराते हैं, दुख से डरते हैं। हम में से बहुत सारे भाई बहन शॉर्टकट ढूंढते हैं, कुछ भी प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट बताइए, छोटा रास्ता बताइए, आसान रास्ता बताइए। महिमा का रास्ता आसान रास्ता नहीं, सफलता का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, पवित्रता का रास्ता आसान रास्ता नहीं है। उसके लिए हमें यीशु की तरह दुख का प्याला पीना ही होगा, हमें दुख का प्याला पीना ही होगा। एक नारी को बच्चा जन्म देना है तो प्रसव पीड़ा से गुजरना ही होगा। किसान को अनाज पैदा करना है तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। जीवन के छोटे मोटे दुखों के सामने हम डरे ना, उसको हम गलत ना समझें। हमेशा हमारे दिमाग में सच्चाई बनी रहनी चाहिए कि महिमा का मार्ग दुख का मार्ग है। प्रभु ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करना नहीं चाहता वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। यीशु महिमा के मार्ग पर हमें ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें दुख से होकर गुजरना होगा। प्रतिदिन के दुखों को यीशु को समर्पित कीजिए, बिना भुनभुनाए दुखों को स्वीकार कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुख के साथ कुछ और छिपा हुआ है,
जैसा कि मैंने उस गीत को कंपोज किया है, दुख दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है, विपदाओं की सेज पर प्रभु और मुझसे मिलने आते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। यीशु को मानव मुक्ति के लिए दुख से गुजरना पड़ा। आप और मुझे उद्धार करने के लिए, आप और हमारी मुक्ति के लिए यीशु को क्रूस के मार्ग को अपनाना पड़ा। हम चालीसा काल में हैं। चालीसा काल में बार बार क्रूस हमारे सामने लाया जाता है। क्रूस दुख का प्रतीक है, लेकिन महिमा का मार्ग है। हम सबको इस बात को स्वीकार करना, हम लोग क्रूस को चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, लेकिन हमें इस बात को ग्रहण करना है कि क्रूस महिमा का मार्ग है और महिमा का मार्ग क्रूस का मार्ग है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जीवन के छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। एक एक दुख को महिमा के लिए एक सीढ़ी की तरह समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। एक एक दुख के द्वारा मैं महिमा की ओर बढ़ रहा हूं यह महसूस करने के लिए कृपा दीजिए। मेरे अंदर दुखों के प्रति जो नकारात्मक भावना, उसको दूर करने की कृपा दीजिए। मुझे दुखों को प्यार करने की कृपा दीजिए। दुखों को सहर्ष स्वीकार करने की कृपा दीजिए। दुख को आनंद के साथ ग्रहण करने की कृपा दीजिए। मुझे दुख के समय, दर्द के समय आनंद का वरदान दीजिए। प्रार्थना कीजिए। वो महिमा का मार्ग है, वो सफलता का मार्ग है। प्रभु यीशु ने दोनों शिष्यों से पूछा, तो मेरे दाएं बाएं बैठना चाहते हो? चलो, उसको तो निर्धारित किया गया, मेरे पिता ने निर्धारित किया है, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? आज हम में से हर एक व्यक्ति से यीशु से ये सवाल करते हैं, बोल, जो प्याला मैंने पिया है क्या तुम उसे पीने को तैयार हो? तुम अपने को मेरा शिष्य कहते हो, तुम अपने को मसीही कहते हो, ये बताओ, क्या दुख जो प्याला मैंने पिया वो तुम पीने को तैयार हो? हम तैयार हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जीवन में आ रहे एक एक दुख को अर्थपूर्ण ढंग से स्वीकार करने की मुझे कृपा दीजिए, विश्वास के साथ स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए, सकारात्मक ढंग से स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए, ये जानने की कृपा दीजिए कि मेरे दुखों का एक उद्देश्य है, मेरे दुख व्यर्थ नहीं है। यीशु का दुख व्यर्थ नहीं था और इसलिए मेरा दुख भी व्यर्थ नहीं है। दुखों को स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु, दुखों को सहर्ष ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। आराधना, आराधना, आराधना।
जलधारा प्यासी मेरी आत्मा है तृप्त कर तेरे दानों से प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है तृप्त कर तेरे दानों से आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा प्यार से हमको चलाता सलल शीतलता में ले चल मुझे तेरे शक्ति से ले चल मुझे तेरे शक्ति से आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना 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 रोटी रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना हम पवित्र प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति महसूस करें आप अकेले हों या परिवार के साथ बैठे हों इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की आराधना करें आंखें मन कीजिए हृदय खोलिए प्रभु के सानिध्य को इस समय अंगीकार कीजिए विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए वह करुणामय है वह दयालु है वह महिमावान है मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले उस महिमावान प्रभु की उपस्थिति महसूस करना अपने हृदय और मन में समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए प्रभु की उपस्थिति में आइए पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है आप जहां कहीं भी बैठे हों इस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है
पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। अपने हृदय की हर एक पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक एक दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक एक समस्या को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। वह करुणामय है, दया का सागर है, आपकी एक एक बात को जानने वाले हैं। उस महान प्रभु के सामने अपनी पीड़ाओं को रखना और हृदय खोलकर उसकी आराधना में लग जाना, यह विश्वास करना कि जब आप प्रभु की आराधना में लगे उस समय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, तुम अपनी प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, उसकी आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आप और मेरा कर्तव्य है कि हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु हमारी परिस्थितियों को परिवर्तित करेंगे। अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आप प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी अच्छाइयों के लिए, बुराइयों के लिए, दर्द के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुर्बलताओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दुख देने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ दुख के द्वारा महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, शारीरिक पीड़ाओं के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मानसिक तनाव के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। गरीबी के लिए, तंगी के लिए, बेरोजगारी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। निसंतान की अवस्था के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। दुख देने वाले लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सारी विपत्तियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सारी विफलताओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी दुर्बलताओं के लिए, बुरी आदतों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ इन सारे दुखों के जरिए मैं महिमा में प्रवेश करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
वचन में लिखा हुआ है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों के द्वारा महिमा में प्रवेश करने वाले मृत्युंजय प्रभु यीशु, मृत्यु को हराने वाले प्रभु यीशु, हमें दुखों में आनंद मनाने के लिए कृपा दीजिए। दुखों को स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय अभिषेक की प्रार्थना का गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, हमारे परिवारों और हमारे सदस्यों को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि बार बार मैं बोल रहा हूं, रोग एक दर्दनाक अवस्था है। कई रोगी अपने विश्वास को खो देते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोगों को अच्छे ढंग से लेने में वे असमर्थ होते हैं, दुख का अर्थ उन्हें नहीं मालूम होता है। आज हमारे बीच में जितने भी रोगी, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले अपने रोग को स्वीकार कर सके, अपने रोग को सहर्ष स्वीकार कर सके और प्रभु के स्पर्श के इंतजार कर सके,
सकारात्मक ढंग से स्वीकार कीजिए अपने रोग को, कैंसर का रोग हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, स्वीकार कीजिए प्रभु से, कहिए प्रभु धन्यवाद, मेरे रोग के लिए धन्यवाद, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद, दुर्बलताओं के लिए धन्यवाद, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। और इस समय अपने सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, वो महान है, शक्तिशाली है। सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, सारे रोगों को तेरे हाथ में दे देता हूं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु की चारों ओर तू घूम घूम कर रोगियों की चंगा करता था, मेरे घर पे भी आइए इस समय, मेरे करीब आइए। यौहन अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि तू उस रोगी के पास पहुंच गया जो 38 साल से पड़ा हुआ था और उसे पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, प्रभु मेरे पास आइए, यीशु को आपके पास आने दीजिए इस समय, विश्वास में यीशु को अपने पास आने दीजिए और इस समय यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, अपने दर्द पीड़ा को रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपने हर प्रकार की बुरी आदत को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। सारे रोगों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, हर तरह के रोग से, हर तरह की पीड़ा से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले यीशु के परम पावन नाम पर, इसी वक्त आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।